हेलो एवरीवन, हिंदूपत आईटीआई के यूट्यूब चैनल अजय चौहान आईटीआई ड्राइंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलीगॉन एंड सॉलिड फिगर्स। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ 30 mm साइड एंड हाइट ऑफ 80 mm। हमें एक रेगुलर, एक नियमित पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना है जिसमें हमें जो साइड दी गई है, बेस साइड 30 mm एंड हाइट, जिसकी हाइट है वो 80 mm है। तो ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगॉन्स वे शेप्स होते हैं जो तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बने होते हैं, वे शेप्स पॉलीगॉन कहलाते हैं। पॉलीगॉन्स टू टाइप्स के होते हैं, एक नियमित या यहां पर जो दिया गया है हमें रेगुलर, एक होता है अनियमित पॉलीगॉन्स। तो नियमित पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? तो वे पॉलीगॉन्स जिनकी सभी भुजाएं और आंतरिक कोण समान होते हैं वे नियमित पॉलीगॉन्स या रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हमने जैसे डेफिनेशन में देखा कि तीन या तीन से अधिक आकृति रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो जैसे हम ये दे देते हैं, ये जो पॉलीगॉन है हमारा, इसमें यहाँ पर जो है इस रेखा का साइज कुछ और है। जैसे मान लीजिए ये 3 cm है, ये 4 cm है, ये 2 cm है। तो यहाँ पर भी जो लाइन का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है, और यहाँ पर एंगल भी है 90 degree है, देन ये 30 degree, देन ये 60 degree है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स और अलग अलग विभिन्न भुजाएं हैं, तो यह पॉलीगॉन अनियमित पॉलीगॉन कहलाता है। अब हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं? ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें ये लेंथ है 3 cm, देन ये लेंथ भी हमारा 3 cm है, देन ये लेंथ भी हमारा 3 cm है। यहाँ पर हम एंगल देखेंगे तो ये 60 degree है, ये 60 degree, देन ये 60 degree। तो ये पॉलीगॉन हमारा रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमें अब दिया गया है पेंटागोन। तो पेंटागोन क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले हम पेंटागोन को समझ लेते हैं। वह समतल आकृति जो 5 सरल रेखाओं से मिलकर बनी होती है वह पंचभुज या पेंटागोन कहलाती है। एक नियमित पंचभुज की सभी भुजाओं की लंबाई सेम होती है, वह संलग्न भुजाओं का जो आंतरिक कोण होता है वो 108 डिग्री होता है, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कैसे हम उसका एंगल निकालते हैं। ओके, तो जैसे हम देख लेते हैं एक नियमित पेंटागोन, मान लीजिए यहाँ 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री एंड 108 डिग्री। ये डिस्टेंस मान लीजिए 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, देन 30 मिलीमीटर। तो यह जो पॉलीगॉन होगा या पेंटागोन होगा यह नियमित या रेगुलर पेंटागोन कहलाएगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमें एक ऐसा पेंटागोन बनाना है जिसकी सभी आंतरिक कोण, अंतः कोण इक्वल हो और जो जिसकी जो सभी फेस लाइन हो वे इक्वल हो। ओके, तो अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में दिया गया है वह प्रिज्म है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसी बहुफलक या मल्टी फेस आकृति होती है जिसकी दो फेस समान होती हैं, जिसके जो टॉप और बॉटम फेस होते हैं, टॉप फेस और बॉटम फेस समान होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, पेंटागोनल प्रिज्म की। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक पेंटागोन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये टॉप व्यू है, ऊपरी फलक, ये बॉटम, ओके। तो हमारी डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं हम कि प्रिज्म एक ऐसी बहुफलक मल्टी फेस आकृति होती है। मल्टी फेस है, इसमें 1 face, 2 face, 3 face, 4 face, then 5 face। यहाँ पर भी 1 face, 2 face, 3 face, 4 and 5 face ऐसी आकृति होती है जिसके दो फेस समान होते हैं। एक 1 face टॉप एंड बॉटम, ये दो फेस समान हैं, एक दूसरे से ऐसे रखे हुए हैं। मान लीजिए ये हमारा टॉप एंड बॉटम है, ये वाला फेस और ये वाला जो बॉटम फेस है ये इक्वल है। यहाँ पर आप शेप देखेंगे, ये फेस, ये पेंटागोन यहाँ भी बन रहा है और पेंटागोन यहाँ भी बन रहा है। तो ये दो फेस इक्वल हैं, जिसके टॉप और बॉटम फेस जो हैं वे एक रेक्टेंगल से जुड़े होते हैं, एक
रेक्टेंगल सरफेस से जुड़े होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल सरफेस है, इसके माध्यम से यहाँ पर हमने जोड़ दिया। यदि हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, तो यहाँ हमने एक रेक्टेंगुलर फेस के माध्यम से इसको आपस में जोड़ दिया, टॉप फेस और बॉटम फेस को। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एक फेस हमें ये मिल गया, ये वाला रेक्टेंगल मिला, देन एक रेक्टेंगल हमें ये मिला, ओके, देन एक रेक्टेंगल हमें ये मिला। तो ये हमारी जो है प्रिज्म कहलाता है। ओके, तो एक बार और समझ लीजिए, प्रिज्म एक ऐसी बहुफलक या मल्टीफेस आकृति होती है जिसके दो फेस समान होते हैं, टॉप एंड बॉटम, जो समांतर चतुर्भुज या आयताकार सतह द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन सतहों या फलकों का फेस, इन सतहों या फलकों को हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं फलक। ओके, सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक बार और जो है इनका जो इंटरनल एंगल होते हैं, अंतःकोण, वो हम निकालना सीख लेते हैं। अंतःकोण पेंटागोन का कोण निकालते हैं हम, अंतःकोण, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया था लास्ट टाइम, 2n-4 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय 90। यहाँ पर जो n है, n इक्वल्स टू है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास पेंटागन में कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू हमारा होगा 5। यहाँ पर हम इसमें n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, सॉरी 2, 5 -4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 90। इसको यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया 5 से 90 को, तो 18 टाइम्स जाएगा, 2, 5 या 10 -4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 18। तो 10 -4 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 18.6 जो होता है हमारा 108 डिग्री। तो हमें यहाँ पर पता चल गया जो पेंटागोन बनता है उसमें जो हमारा एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। यहाँ पर जितने भी एंगल हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये यदि हम एंगल मेजर करेंगे इसको, तो ये 108 डिग्री का हुआ, ये भी 108 डिग्री का हुआ, ये भी 108 डिग्री का, ये भी 108 डिग्री और ये भी 108 डिग्री का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पेंटागोन बनाने जा रहे हैं प्रिज्म, उसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना होता है। सो सबसे पहले हम पेंटागन का ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ कर लेंगे। बेस साइड हमारे पास जो दिया गया है वो है 30 mm, तो 30 mm का बेस साइड ले लेंगे हम यहाँ पर। एंगल हमने देख ही लिया है एंगल कितना होता है, इसको हम दे देंगे पॉइंट ए, देन पॉइंट बी। ओके, यहां पर हमारा जो एंगल है 108 108 डिग्री, बी पर रखेंगे यानी 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे हम यहां पर 108। ओके, देन ए से इसको मिलाते हुए एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा कंपास लेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस इसमें मेजर करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, देन बी पर रखा, एक आर्क कट किया, ए पर रखा, एक आर्क कट किया। ओके, देन ये जो हमें क्रॉस मिला था, क्रॉस पॉइंट, यहाँ पर रखा, यहाँ से एक आर्क इधर कट किया ऊपर की साइड, देन यहाँ पर रखा, एक आर्क कट किया। ओके, तो हमारे पास ये पॉइंट मिल गए हैं ए बी, ये पॉइंट होगा हमारा सी, देन ये वाला पॉइंट होगा हमारा डी, देन ये वाला पॉइंट होगा हमारा ई। ओके, तो हम यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। ये हमारा फाइनल पेंटागन बन जाएगा फाइनली।
सी से डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन डी से ई को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, अब चूंकि इसका हम आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू में हमें पता है हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, ये रेफरेंस लाइन, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन हम जब भी पेंटागोन या हेक्सागोन का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो वहां पर हम वाई एक्सिस को उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे मिटा देंगे। अब ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इस पर हमें ये पेंटागोन ट्रेस करना है। तो हम सबसे पहले यहां पर फाइनली ड्रॉ कर लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, यहां पर रेफरेंस लाइन, यहां पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं, हम कहीं पर भी ले सकते हैं इस लाइन पर, देन यहां पर जो इंक्लिनेशन होता है आइसोमेट्रिक प्लेन्स का, लाइंस का, वो होता है 30 डिग्री रेफरेंस लाइन से। तो यहां से हम 30 डिग्री लेफ्ट में गए, देन 30 डिग्री का एंगल राइट में ड्रॉ किया। हमने आइसोमेट्रिक के जितने भी पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने ये पूरा क्लियर कर दिया था। सो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। तो यहां पर हमें इसको पेंटागोन को यहां पर ट्रेस करना है या बनाना है आइसोमेट्रिक प्लेन पर। तो सबसे पहले हमें यहां पेंटागोन या हेक्सागोन को आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है, बॉक्स मेथड। तो हम यहां पर एक बॉक्स इस पेंटागोन को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। सो जितने भी पॉइंट्स या कॉर्नर्स हैं हमारे, उनको एक बॉक्स में हम बंद कर लेते हैं। सी से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन पॉइंट ई से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फाइनली यहां पर हमारे पास एक रेक्टेंगल मिल गया जिसमें हमें चार पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसका लेबलिंग कर देंगे हम 1.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हमें यहाँ पर ट्रेस करना है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, तो इसको हम ले लेते हैं 0.1, ओके। तो कतार में अब देखते हैं हम वन जो पॉइंट है वो 2 के साथ और 4 के साथ मिल रहा है, तो 0.1 से लेकर जो यहाँ पर इसको 2 वाली लाइन हो जाएगी और ये वाली 4 वाली लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 से 2 तक का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 पर रखा, आर्क कट किया, यहां पर पॉइंट दे दिया 2, देन 1 जो लाइन है वो इधर यहां पर 4 से मिल रही है, तो 1 से 4 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 पर रखा, एक आर्क कट किया, यहां पर हमारे पास पॉइंट मिल गया 4। अब हमें चाहिए 0.3, तो 3 हम देखते हैं 2 के साथ 3 मैच हो रहा है और 4 से एक लाइन जा रही है 3 तक, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर वो पॉइंट आएगा, तो हम भी यहाँ से 2 से 3 तक का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कंपास में 2 से 3 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रखा, एक आर्क कट किया, अब 4 से 3 तक एक डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर राउंडर में हमने 4 से 3 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 4 पर रखा, एक आर्क कट किया, तो फाइनली हमें एक पॉइंट मिल गया है 3। तो इसकी सहायता से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर,
ये बॉक्स हमें यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। अब इस बॉक्स में जो बॉक्स, अब हमने यहाँ से ये बॉक्स यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर जो आकृति है हमारे पास पेंटागोनल का ऑर्थोग्राफिक जो व्यू है उसे यहाँ पर ट्रेस करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1 चार लाइनें हैं। यहाँ पर भी 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1 चार लाइनें हैं। अब 1 और 2 वाली लाइन पर दो पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी। तो यहाँ पर हम 1 से ए तक का पॉइंट, ए तक का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। वन से ए तक का दूरी लिया और वन पर आर्क रख के आर्क कट किया। वन से टू से बी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, टू पर रखा, एक आर्क कट किया। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट मिल गए हैं ए एंड बी। अब हम देखते हैं 2 और 3 वाली लाइन पर एक पॉइंट है हमारे पास सी। तो यहाँ पर हम टू से टू पर कंपास को रखा, सी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, टू पर रख के एक आर्क कट किया, जो हमें पॉइंट मिल गया यहाँ पर सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 से 1 और 4 वाली लाइन पर एक पॉइंट है ई, वन पर रखा, ई तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, वन पर रख के एक आर्क कट किया, हमें पॉइंट मिल गया ई। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 4 वाली लाइन पर एक पॉइंट है डी, इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है। तो 3 पर हमने कंपास को रखा, डी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 3 पर रखा पॉइंट, देन आर्क कट किया। तो फाइनली हमारे पास 5 पॉइंट प्रोजेक्ट हो चुके हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर। अब इन सारी लाइंस को हम अभी सेमी लाइट मिला देंगे, ए से ई को मिला देते हैं, ई से डी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ए से बी हमारे पास पहले से ही है, बी से सी को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फाइनली सी से डी मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हमने देखा है यहां पर हम पेंटागोनल प्रिज्म बना रहे हैं। तो प्रिज्म के जो दोनों फेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, हम डेफिनेशन में देख चुके हैं। तो जैसा एक फेस यहाँ पर है ऐसे एक फेस यहाँ से जो हाइट हमें दी गई है 80 mm, 80 mm ऊपर भी प्रोजेक्ट करना है। मान लीजिए इसकी हाइट जो है, ये फेस की हाइट है 80 mm, तो ये 80 mm ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो ये फेस हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, एक यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे ए बी सी डी ई के साथ 1, 2, 3, 4, ओके, तो जो पॉइंट्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4 इन सबको ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे, 4 पॉइंट, देन 0.1, देन 0.3, देन 0.4। तो चारों पॉइंट यहां पर हमने प्रोजेक्ट कर दिए। अब इनका जो डिस्टेंस हमें दिया है 80 mm, वो 80 mm हम हमारे प्रकार में लेते हैं डिस्टेंस, कंपास में 80 mm का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, 4 पर रखा, एक आर्क कट किया, 1 पर रखा, एक आर्क कट किया, 2 पर रखा, आर्क कट किया, देन 3 पर रखा, आर्क कट किया। ओके, पर रख के आर्क कट कर लेते हैं, यहाँ पर मिला हमें, तो हमें वापस से 4 पॉइंट यहाँ पर मिल गए, 2, 3, देन 4, इन सबको आपस में मिला देते हैं हम। ये सारा काम जितना भी हम कर रहे हैं ये सेमी लाइट होना है फ्रेंड्स।
यदि आपने ड्राइंग का थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा है तो आपको पेंसिल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम ड्राइंग में कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो HB पेंसिल का उपयोग करते हैं। HB पेंसिल का उपयोग हमें ड्राइंग बनाने के लिए नहीं करना है। ये जो HB पेंसिल होती है इसका उपयोग हम नहीं करते हैं ड्राइंग में। ड्राइंग बनाने के लिए हमें 2H या 3H की पेंसिल ही उपयोग करते हैं। लाइट वर्क के लिए हम 3H का पेंसिल उपयोग करते हैं और थोड़ा डार्क वर्क के लिए 2H का उपयोग करते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये एक बॉक्स ट्रेस हो गया है। इसको दे देते हैं हम 5, देन 6, देन 7, देन 8। अब जैसे हमने यहाँ पर ये पेंटागन ट्रेस किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी इस बॉक्स में भी हमें पेंटागन ट्रेस करना है। तो वही मेथड है हमारे पास। 1 से A तक का डिस्टेंस लिया, फाइव पर रखा, एक आर्क कट किया। इसको आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, 1 ब्रैकेट में 2, देन 3, देन 4। ओके, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 2 से बी तक का डिस्टेंस मेजर किया, बी पर रखा, एक आर्क कट किया। हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए हैं, ए एंड बी। ओके, अब 2 पर रखा, सी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रख के सी तक का डिस्टेंस मेंटेन कर, एक आर्क कट किया। यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल गया सी, देन 1 पर रखा, ई तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 पर रख के एक आर्क कट किया। हमारे पास फाइनली एक पॉइंट मिल गया ई, 3 पर रखा, डी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 3 पर रखकर एक आर्क कट किया। तो हमारे पास पॉइंट प्रोजेक्ट हो गया है डी। अब इनको भी हम फाइनली एक दूसरे से मैच करते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ए से ई को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, ई से डी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, बी से सी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन सी से डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा पेंटागन इस तरह से रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ ए से ए को मिलाते हुए एक लाइन आएगी इसकी, जो दिखाई देगी हमें ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो हम इसको मैच कर लेते हैं, ई से ई को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डी से डी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से ए को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से बी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड सी से सी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमें फाइनली एक पेंटागन प्रिज्म दिखाई दे रहा है। अब इसको हम फाइनली डार्क करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा ये फेस ऐसे रखी हुई है। तो हमें ये वाला मान लीजिए, ये ए वाला कॉर्नर है, ये जो दिख रहा है आपको ए और ए डैश, ये वाली जो लाइन है ए वाली लाइन है, ए वाली ये। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है हमारे पास, ये बी वाली लाइन है। ओके, ये दिखाई देगी। देन आप देख रहे होंगे ये ई वाली जो लाइन है ये भी हमें दिखाई दे रही है, ये ई वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है। अब इसके बाद की जो लाइनें हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, ये दो लाइनें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, ये जो पीछे हैं ये लाइनें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ए बी और ई वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है, ए ई और बी, ए ई और बी। तो ये हमारी पूरी सॉलिड रहेगी, ये कुछ इस तरह से रखा हुआ हमारा पेंटागन। यहाँ आप देख रहे होंगे ये पेंटागन दिखाई दे रहा है, तो ये पेंटागन इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें। तो हम इसको पूरा डार्क कर देते हैं पहले, पहले जो टॉप वाला हमारा
पेंटागोन है, इसको हम डार्क कर देते हैं। ई से डी को मैच करते हुए ए से बी को मैच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ए से सी को, बी से सी को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड सी से डी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली ये हमारा जो पेंटागोन था वो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि इस तरह से रखा हुआ है। यह पेंटागोन दिखाई दे रहा है, तो यह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमारी जो ये बी वाली लाइन है ये दिखाई दे रही है, ए वाली लाइन दिखाई दे रही है हमें, और ई वाली लाइन दिखाई दे रही है। तो हम इसको डार्क कर देते हैं। 1, 2 एंड 3, ए वाली, ई वाली, सॉरी ए वाली, बी वाली और ई वाली, थ्री लाइन्स हमारे सामने है जो हमें दिखाई दे रही है। तो ए वाली लाइन, ई वाली लाइन और बी वाली लाइन को हम डार्क कर देते हैं फाइनली। ये हमारी ए वाली लाइन है, इसको डार्क कर देते हैं। बी वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है सामने से, इसको डार्क कर देते हैं। और ये वाली है हमारी ई वाली लाइन, लाइन ई हमें दिखाई दे रही है, इसको भी फाइनली डार्क कर देते हैं हम। ये दिखाई दे रही है हमें। अब इसके बाद हमारा जो पेंटागोन है इस तरह से रखा हुआ है। ओके, तो ये फेस जो है ये हमें दिखाई दे रही है, दो लाइन, ये दो लाइन हमें दिखाई दे रही है, जो आपको यहाँ पर ए से बी और ए से ई दिखाई दे रही है। ए से बी, ए से ई, यहाँ पर ए से बी, ए से ई और ए से बी, तो ये हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसको डार्क कर देंगे। ऐसे ई वाली लाइन को डार्क किया, देन ऐसे बी वाली लाइन को डार्क करेंगे। ऐसे बी वाली लाइन को डार्क किया। ओके, अब फाइनली हम देखते हैं हमें क्या कौन कौन सी लाइनें दिखाई नहीं दे रही हैं। हमें ऐसे बी वाली लाइन दिखाई दी, ऐसे ई वाली लाइन दिखाई दी, लेकिन ये जो दो लाइनें हैं, एक ये वाली एज हमें दिखाई नहीं दी पीछे से, जो यहाँ जा रही है, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दी, देन ये वाली और ये वाली, तो तीन लाइनें जो हैं हमें दिखाई नहीं दी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। बी से सी, बी से सी वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही, हम जब यहाँ से देख रहे हैं दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये ऐसा रखा हुआ है। तो बी से सी हमें दिखाई नहीं दी, सी से डी हमें दिखाई नहीं दे रही है और डी से ई हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये वाली लाइन है बी से सी, सी से डी और डी से ई, ये हमें बी से सी, सी से डी और डी से ई, ये हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम इसे डॉटेड बनाएंगे। जो भी लाइनें हमें दिखाई नहीं देती हैं, एजेस दिखाई नहीं देती हैं, कॉर्नर्स दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये बी से सी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इसे डॉटेड बना दिया, देन सी से डी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इसे भी हम डॉटेड बना देते हैं। देन डी से ई हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इसे भी हम डॉटेड बना देते हैं। ओके,
अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा ए बी और डी, ए बी और ई ये लाइनें थी हमारी। अब ये वाली लाइनें हमें दिखाई नहीं दी थी, ये पीछे वाली जो लाइनें हैं तीनों ये दिखाई नहीं दी। इसके बाद ये जो दो एजेस हैं, ये जो एजेस हैं जो सी और डी से जा रही हैं, ये ए बी सी डी और ई से जो एजेस जा रही हैं, ये जो रेक्टेंगल है हमारा, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो लाइनें हैं ये भी डॉटेड रहेंगी फाइनली, इन्हें हम डॉटेड कर देते हैं। तो सी से इस लाइन को हम डॉटेड बना देते हैं। जो भी हमारे हिडन पार्ट होते हैं हम उन्हें डॉटेड लाइन से बनाते हैं, जिन्हें डैश लाइन भी कहा जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इन्हें हिडन लाइन कहा जाता है। हिडन लाइंस का उपयोग जो हिडन पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। छुपी हुई आकृतियों को बनाने के लिए हम हिडन लाइन का उपयोग करते हैं। डी से डी वाली लाइन भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसको हम फाइनली डैश लाइन से बना देते हैं, हिडन लाइन से बना देते हैं। तो फाइनली हमारा ये आइसोमेट्रिक डायग्राम रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म का तैयार हो गया है। एक बार और समझ लीजिए, ये फेस हमें दिखाई दे रही है, ये वाला रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ए बी ए बी ए बी ए बी। अब ये रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा था, ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा था, ये थोड़ा सा टिल्ट है, ये देखिए आप भी यहाँ पर झुका हुआ है, ये लाइन ऐसे जा रही है इस एंगल पर, ये लाइन यहाँ पर ये जा रही है। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल था जिसमें ए ई और ए ई, ये थी ये ए ई ए ई। अब इसके पीछे की जो फिगर्स थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, ये वाला जो पेंटागन था टॉप साइड वाला, ये जो फेस है ये फलक है ये हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने इसको सॉलिड बनाया है। इसके पीछे की जो दो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें जो कि सी और डी से जा रही हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, वो हमने डॉटेड बना दी। देन बी से सी जो लाइन है, ये वाली बी से सी लाइन, ये हमें दिखाई नहीं दे रही थी, और सी से डी लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही थी, सी से डी लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही थी, ये हमने डॉटेड बनाई है। देन यहाँ पर डी से ई जो लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही थी वो भी हमने डॉटेड बनाई है। ओके, थैंक्स फ्रेंड। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्द आने वाला है जिसमें हम पेंटागोनल प्रिज्म पिरामिड बनाएंगे। तो थैंक यू।